आज हम क्वेश्चन करेंगे साइन क्यूब एक्स का, ठीक है। और अब की बार कोई गलती नहीं करेंगे हम। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। दिस टाइम नो मिस्टेक, ओके। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स, ठीक है। इंटीग्रेशन के पहले मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बना रखे थे। अब मैं मैथ्स 12th के इंटीग्रेशन की स्टार्टिंग कर रहा हूँ, थर्ड का ये थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए साइन 3x का, ठीक है। तो साइन 3x होता है आपका थ्री साइन एक्स, ठीक है। 3 sin x माइनस 4 sin³x, ठीक है। तो पहले मैं इसे इधर ले आऊँ तो हो जाएगा 4 sin³x इज इक्वल टू 3 sin x माइनस sin³x, ठीक है। तो sin³x इज इक्वल टू 3/4 sin x माइनस sin³x/4। तो हमें इंटीग्रेशन अब किसका निकालना है, इंटीग्रेशन ऑफ 3 3/4 sin x माइनस sin³x/4 dx, इसका इंटीग्रेशन हमें निकालना है। तो 3/4 का तो यही रहने दो। अब याद रखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। मैंने हर बार गलती करा रखी है, बस अब गलती नहीं होगी। मैं इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, ठीक है। और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। साइन थ्री एक्स का क्या होगा, cos³x/3, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन डिवाइड में, इंटू 4 + c, ठीक है। तो अब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -3/4 cos x + 1/12 cos³x + c, ये आपका आंसर होगा। और अगर आप अरेंज करना चाहते हो, पहले पॉजिटिव वैल्यू लिखना चाहते हो, तो पहले पॉजिटिव लिख लो, 1/12 cos³x - 3/4 cos x + c, ये आपका आंसर होगा। तो कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो।